नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत से बातचीत के लिए बेताब पाकिस्तान। पाक पीएम इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, शांति के लिए मिलकर काम करने की जताई इच्छा। भोपाल में गर्मी ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। भीषण गर्मी ने लोगों का किया जीना मुहाल। अघोषित बिजली कटौती को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में चिमनी लेकर किया प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। केसली में एक बार फिर 7i न्यूज की खबर का हुआ असर, पेयजल की समस्या की खबर दिखाई थी प्रमुखता से, हुआ समस्या का समाधान। और मंदसौर में अज्ञात बदमाश सोने चांदी के व्यापारी का बैग छीनकर हुए फरार, पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश की शुरू। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान बेताब है। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अब खत दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद को लेकर लिखा है। इमरान खान ने पीएम मोदी से साउथ एशिया और पड़ोसी देशों में शांति के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में कश्मीर विवाद का भी जिक्र है। बता दें कि खत ऐसे मौके पर आया है जब भारत ने गुरुवार को कहा कि 13-14 जून को किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक की योजना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, बिश्केक के SCO सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ द्विपक्षीय बैठक की कोई योजना नहीं बनाई गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, हालांकि अभी तक उसका शव बरामद नहीं हो सका है। और अब बात करेंगे पूरे देश में पड़ रही भीषण गर्मी की। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। भोपाल में गर्मी इस कदर बढ़ गई है, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शुक्रवार को भोपाल में पारा 45.9 डिग्री के पार पहुंच गया, जो सामान्य से 60 डिग्री ज़्यादा है। इसके साथ ही भोपाल में गर्मी का 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ये लगातार 5वां दिन है जब भोपाल में पारा 45 डिग्री के पार चला गया। भोपाल में इससे पहले 1979 में 10 जून को और 1995 में 5 जून को तापमान 45 डिग्री पहुँचा था। भोपाल के नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट साल के अंत तक जारी होने वाला है। इसकी जानकारी राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने दी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत नए मास्टर प्लान की तैयारियां तेजी से विभाग कर रहा है। भोपाल जिले के ऐसे गांव जो अब तक प्लानिंग एरिया से बाहर थे, उन्हें भी प्लानिंग एरिया में शामिल करने का फैसला सरकार ने लिया है। इन गांवों को प्लानिंग एरिया में शामिल करने की प्रक्रिया में करीब 3 महीने लगेंगे। यह प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो गई है। वहीं विभाग के मंत्री जयवर्धन सिंह ने मास्टर प्लान में देरी होने का जिम्मेदार राज्य के पूर्व CM शिवराज सिंह सरकार को ठहराया। सिंह ने कहा कि राज्य में 15 साल BJP की सरकार रही जिसने मास्टर प्लान की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर BJP सिंह के इस बयान को लेकर हमलावर हो गई है। BJP का मानना है कि राज्य में ज़्यादातर विकास शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुआ है और कांग्रेस राज्य में विकास के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, कांग्रेस की सरकार जब से आई है, निश्चित रूप से इसी प्रकार के अनर्गल बयान उनके मंत्रियों द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी देने का काम किसी ने किया है तो केंद्र की माननीय मोदी सरकार ने किया है। आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसका बेसिक नीड्स है, वो काम हमारी सरकार में प्रारंभ हो चुका है। उसको गति देने का काम अब केंद्र, चूँकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो उनका बनता है। तो मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला ना झाड़ते हुए, केंद्र के साथ समन्वय बनाते हुए उन्हें अच्छा काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिजली की अघोषित कटौती को लेकर राजधानी भोपाल में BJP कार्यकर्ताओं ने अलग ही तरह से प्रदर्शन किया। BJP नेताओं ने सेकंड स्टाफ पर स्थित बिजली घर के सामने हाथों में चिमनी लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही BJP नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का बंटाधार राज फिर आ गया है। देखिए, पूर्व में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो वो बंटाधार सरकार कही जाती थी, और आज हम लोग बंटाधार रिटर्न्स
माननीय कमलनाथ जी की तस्वीर युक्त चिमनी एमपीबी के अधिकारियों को भेंट करने आए हैं। हमारी डी खान साहब से बात हुई थी पर उन्होंने मीटिंग का बहाना बना के वो चले गए। उन्होंने एक अधिकारी को यहाँ नियुक्त किया जिन्होंने हमसे चिमनी ली है और वो चिमनी माननीय कमलनाथ जी तक भी पहुँचे और मध्य प्रदेश के विद्युत मंत्री तक भी पहुँचे कि आज आप पेपर में तो विज्ञापन इश्तेहार निकलवाते हो कि सरप्लस बिजली है पर उसके बावजूद आप देखेंगे कि हर कहीं कटौती से जनता परेशान है। सुबह आप देखेंगे दिन में भोपाल जैसी राजधानी में ही 20-20 बार बिजली आ जा रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनकी क्या मंशा है कि जनता तक सरप्लस बिजली होने के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हॉकी ओलंपियन असलम शेर खान ने 2 सालों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव रखा है। ANI के मुताबिक असलम ने कहा कि जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही थी तब मैंने एक पत्र लिखा था और कहा था कि नेहरू गांधी परिवार से बाहर के किसी शख्स को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए। पत्र में मैंने कहा था कि अगर राहुल गांधी इस पद पर बने रहना चाहते हैं तो वह अच्छे से इसको कर सकते हैं लेकिन अगर वह नहीं रहना चाहते तो मैं इस पद की जिम्मेदारी 2 साल के लिए लेना चाहूँगा। भिंड जिले में बढ़ते अपराधों को देखते हुए प्रभारी पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन के निर्देश पर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शहर में शांति बनाए रखने की अपील की गई। लगातार भिंड में आए दिन अपहरण लूट चोरी जैसी ज्यादा वारदातें बढ़ रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। मध्य प्रदेश के भिंड से विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों में झड़प हो गई। पूरा मामला महावीरगंज एक्सीलेंस रोड पर स्थित जैन स्तंभ के उद्घाटन पत्थर को हटाने को लेकर शुरू हुआ और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए जबकि वहां पर नगर पालिका CMO तहसीलदार और थाना प्रभारी मौजूद थे। बता दें कि पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा मौके पर पहुंचे और उन्होंने पत्थर उखाड़ने का कारण पूछा जिस पर किसी भी अधिकारी ने कोई कारण नहीं बताया। इस दौरान पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के समर्थकों में झड़प हो गई। इस दौरान पूर्व विधायक वहीं धरने पर बैठ गए। पूर्व विधायक का कहना था कि उद्घाटन महाराज जी के आगमन पर कराने के उद्देश्य से रुका हुआ था। जब महाराज 3 साल के बाद पुनः वापस भिंड आए तो उद्घाटन का कार्य किया जा रहा था लेकिन महाराज जी का स्वास्थ्य कुछ खराब हो जाने के बाद यह रुक गया था। जब पत्थर को उखाड़ा गया तो कुछ लोगों ने उन्हें सूचित किया और मैं यहां पहुंच गया। पूर्व विधायक का आरोप है कि यह कार्रवाई बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के इशारे पर की जा रही थी। भिंड से गिरिराज बोहरे की रिपोर्ट। ब्लॉक केसली की ग्राम पंचायत तुलसी पार के ग्राम झिरिया खेड़ा में ग्रामीण वर्षों से पेयजल समस्या से जूझ रहे थे। इस पूरी समस्या की खबर 7i न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई। मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आने के बाद PHAI विभाग की SDO प्रांजलि राय ने सक्रियता दिखाते हुए सिंगल फेस का मोटर पंप त्वरित भेजकर ग्रामवासियों को वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान करवाया जिससे खुश होकर ग्रामवासियों ने SDO सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। केसली से मनोज सिरोठिया की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के दलौदा में सोने चांदी के व्यापारी से अज्ञात बदमाश सोने चांदी से भरा बैग छीनकर रफू चक्कर हो गए। बता दें कि हीरालाल पाल और विशाल पाल दुकान बंद कर घर जा रहे थे तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने गोली भी चलाई जो कि विशाल के पैर में लग गई जिसे मंदसौर जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया। सूचना मिलते ही मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनोज चौधरी और SDOP मौके पर पहुंच गए और चारों तरफ से नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।